वेलकम दोस्तों, आज की जो वीडियो है स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए है जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की वो पहली बार अपनी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवाएंगे सीए के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, जो अकाउंटेंट पहली बार टैक्स ऑडिट करवाते हैं तो उसके दिमाग में थोड़ा वो झिझक भी रहता है, थोड़ा सस्पेंस भी रहता है, थोड़ा सा डर भी रहता है। फिर टैक्स ऑडिट पहली बार करवा रहे हैं तो सीए हमारे से क्या क्या पूछेगा, या हमें कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स तैयार करके लेके जाने पड़ेंगे सीए के ऑफिस में टैक्स ऑडिट के दौरान। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, जो अकाउंटेंट लोगों के ही काम है, 10 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपको सीए के ऑफिस में अपनी कंपनी का टैक्स ऑडिट के डाटा भेजने से पहले आपको अपने टेबल पर उन सभी रिकॉर्ड्स को प्रीपेयर करना पड़ेगा। यानी कि आपको कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको पहले प्रीपेयर करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट के लिए डाटा सेंड करने से पहले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो सारे सस्पेंस ऑलमोस्ट आपके इस वीडियो से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एज ए अकाउंटेंट होने के नाते आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगा जो एक सीनियर अकाउंटेंट लोग सीए के ऑफिस में डाटा को सेंड करने से पहले अपने टेबल पर उस डाटा को प्रीपेयर अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर आपने उस डाटा को अच्छी तरीके से प्रीपेयर कर लिया तो आपका काम तो आसान हो ही जाएगा, इसके साथ साथ आप सीए लोगों का काम भी और आसान कर दोगे, क्योंकि वहां पर भी आपका जो टाइम है वो कम से कम लगेगा ऑडिट के दौरान। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है उन सभी के ऊपर अपने डिटेल के साथ और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसिंगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर अपने पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आ गया ओवर लेजर स्टेटमेंट। ओवर लेजर स्टेटमेंट का मतलब आ गया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, भी आपके जो सप्लायर है, यानी कि जो आपके सप्लायर है जिसको अपने बोल देते हैं सेंड्री क्रेडिटर, विशेषकर सबसे पहले सेंड्री क्रेडिटर जो आपके होंगे जिनसे आपने गुड्स परचेज किया होगा, तो आपको उन सभी के जो भी अकाउंट की स्टेटमेंट है उसको आप जरूर मिलान करेंगे। यानी कि जो बैलेंस आपकी बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिट साइड के अंदर जितना बैलेंस आ रहा है, उतना बैलेंस आपका जो सप्लायर है उसने अपने सेंड्री डेबिटर की साइड के अंदर दिखाया है या नहीं दिखाया है। यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस और आपका सप्लायर का अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट करना है कि जो भी आपके सप्लायर हैं उन सभी से आप लोगों को अकाउंट स्टेटमेंट मंगवानी है, कब से लेके 1/4/23 से लेके और 31/3/2024 तक की आपने जितने भी परचेज करिए, जितने भी पेमेंट करिए, वो सारी की सारी डिटेल्स उस अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी। तो आपको उसी को रिकॉर्ड को देख के अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस पार्टी के लेजर जितने भी हैं आपके, चाहे आपका एक सप्लायर है चाहे आपके 100 सप्लायर है, सभी की अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास में होनी चाहिए। सीए लोग आपका अकाउंटिंग कन्फर्मेशन के लिए डिटेल मांग सकती है, चाहे सीए ना भी मांगे तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओके रखने के लिए उसका अकाउंट बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2024 का, वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका पहला रहेगा। उसके बाद में रहेगा सेंड्री डेब्टर का। अब सेंड्री डेब्टर का मतलब हो गया कि जिनको आपने गुड सेल किया होगा, जिनको आपने गुड सेल किया तो वो आपके सेंड्री डेब्टर होंगे। तो आपका जो सेंड्री डेब्टर का जो बैलेंस है वो भी, आपका सेंड्री डेब्टर रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, तो आपको उससे भी एक बार ये जरूर कंफर्मेशन ले लेनी है भी आपने जितना अपनी बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड के अंदर जितना बैलेंस उसका क्लोजिंग शो किया है 31/3/2024 को, तो क्या उतना ही आपका जो बायर है, यानी कि जो आपका कस्टमर है, उतना उसने अपनी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर आपका बैलेंस उतना ही शो किया है क्या 31/3/24 को। तो आपको अपना सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेबिटर दोनों पार्टियों के आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/2024 को वो आपको जरूर चेक करने है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होता है और लेजर, इसके साथ साथ इसके अलावा जो भी आपकी लाइबिलिटी के जो लेजर है, सेंड्री क्रेडिटर जिससे आपने गुड्स परचेज किया होगा, सेंड्री डेबिटर जिनको आपने सेल किया होगा, अब इसके अलावा कुछ लोन्स अकाउंट भी होंगे जिनको आपने कुछ पैसा उधार दिया होगा,
बैंक के द्वारा एज ए लोन के रूप में, तो उसके भी बैलेंस आपको चेक करने होंगे। अब लोन आपका अनसिक्योर्ड लोन होगा, ठीक है, या फिर आपका लोन इन एडवांस भी हो सकता है। अनसिक्योर्ड का लोन का मतलब ऐसे पार्टी जिनसे आपने पैसा उधार लिया हुआ है, और लोन इन एडवांसेस का मतलब जिनको आपने कोई पैसा उधार दिया हुआ है, तो उनका भी बैलेंस आपको जरूर चेक कर लेना है। आपने मान लीजिए कि अनसिक्योर्ड लोन है, आपने पैसा उधार लिए और आपने इसको 31 मार्च को कुछ इंटरेस्ट भी पे किया होगा, तो इंटरेस्ट पे किया होगा तो आपका जो भी अनसिक्योर्ड लोन है उसका भी बुक्स के अंदर उतना बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेम प्रोसेस आपकी लोन इन एडवांसेस के अंदर भी रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट काम ये अकाउंटेंट लोगों के काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीए का काम नहीं है, ये अकाउंटेंट लोगों का काम है जो उसको अपनी खुद की टेबल पर बैठ के करना पड़ेगा। उसके बाद में दो नंबर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ऑल बैंक स्टेटमेंट विद रिकंसिलेशन आपको करना पड़ेगा। अब आपका बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, कोई लोन हो सकता है, सीसी या ओडी अकाउंट भी हो सकते हैं, तो उन सभी के जितने भी आपके बैंक स्टेटमेंट है उन सभी की आपके पास 31 मार्च 2024 तक यानी कि 1/4/23 से लेके 31/3/24 तक की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। सीए लोग आपका जो 31 मार्च का जो 31/3/24 के अंदर जो आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसका बैलेंस शो किया है, क्या उतना बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैंक के द्वारा जो बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को दी भी है उसके अंदर भी उतना ही आ रहा है? अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका आपको रिकंसिलेशन भी सीए लोगों को बताना पड़ेगा भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस आ रहा है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर जो बैलेंस आ रहा है उन दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस होने का रीज़न क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी हम 31 मार्च को किसी को चेक इश्यू कर दिया लेकिन उसने सामने वाली पार्टी ने जिसको इशू किया उसने अप्रैल मंथ के अंदर उस चेक को पास करवाया बैंक के अंदर, ठीक है, तो अब इसकी वजह से आपका डिफरेंस आ सकता है। तो आपको उन सभी ऐसे चेक को ऐसे पेमेंट को आपको रिकंसिलेशन करके रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके भी ये बैलेंस पास होने के बाद में आपका बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये आपके लिए सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट है, चाहे आपका वो सीसी है, चाहे वो ओडी, किसी भी प्रकार का कोई बैंक स्टेटमेंट है, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक हो चाहे कोई गवर्नमेंट बैंक हो, सभी के आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट है जो तैयार करके रखनी पड़ेगी और वो स्टेटमेंट आपके पास होनी भी चाहिए। तीन नंबर पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक का, यानी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट भी तैयार करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा भी परचेज आपकी आ जाएगी, सेल भी आ जाएगी और इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। तो अब क्लोजिंग स्टॉक जितना आपके पास में बचा हुआ है उसकी वैल्यू आपको प्रॉपर चेक करनी है भी आपके पास जितना क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसकी वैल्यू आपने प्रॉपर सही मेथड से कैलकुलेशन करी है। कोई ऐसा स्टॉक कोई माइनस के अंदर कोई ऐसा स्टॉक आपके पास बुक्स के अंदर ना शो हो रहा हो ताकि आपको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत ना आए, तो ये भी आप लोगों का काम है, अकाउंटेंट लोगों का काम है क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉपर सही तरीके से चेक करना और उसकी सही मेथड के साथ उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेशन कराना। इसके बाद पॉइंट नंबर अगर अपने बात करते हैं चार की, तो चार नंबर जो पॉइंट है वो आता है जीएसटी रिटर्न से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर तो था आपका और जो स्टेटमेंट वगैरह मिलाना बैंक स्टेटमेंट, अब आपको जो जीएसटी रिटर्न आपने फाइल करी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, ठीक है, तो वो रिटर्न चाहे आपने वो रिटर्न मंथली फाइल करी हो चाहे वो आपने क्वार्टरली फाइल करी हो, तो वो रिटर्न भी आपको जरूर मैच करनी है। किसके साथ मैच करनी है? बुक्स वर्सेज जीएसटी पोर्टल पे, यानी कि आपकी बुक्स की जो जीएसटी R1 है और आपने जो पोर्टल पे जीएसटी R1 के अंदर जो रिकॉर्ड दिया हुआ है वो रिकॉर्ड आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि जीएसटी की रिटर्न बुक्स और ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड आपका जितना बुक्स के अंदर सेल है उतनी आपकी ऑनलाइन के अंदर जितनी आपने जीएसटी R1 या फिर 3B फाइल कर दी है उसके अंदर उतना ही आपका सेल का रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप उसको अभी भी चेंज करवा सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है सितंबर 2024 तक का, तो आपने इस रिटर्न के अंदर भी आगे भी इसको चेंज करवा सकते हैं ताकि आपका जो एनुअल रिटर्न जाएगा, अगर आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की भी अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है तो वहाँ पर भी अपने इस रिकॉर्ड को आप सेट ऑफ करवा सकते हो।
उसके बाद पॉइंट नंबर अगर अपने बात करते हैं जीएसटी आईटीसी की, अब जीएसटी आईटीसी का मतलब जो आपने गुड्स परचेज किए है उस परचेज के ऊपर आपने जितना टैक्स दिया है जीएसटी का, ठीक है, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, तो जितना आपने आईटीसी क्लेम किया है अपनी 3B की रिपोर्ट्स के अंदर, क्या उतना रिपोर्ट्स आपके ऑनलाइन पोर्टल पे 2A या 2B के अंदर वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपका अगर 3B के अंदर कम है, 2B के अंदर आपका ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आईटीसी 3B के अंदर आपका ज़्यादा आ रहा है और 2B के अंदर उसके अंदर कम आ रहे हैं तो आपके लिए परेशानियां हो सकती है, तो ये भी आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। अगर आपका 3B के अंदर कम है, ऑनलाइन ज़्यादा आ रहा है, पोर्टल पे ज़्यादा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पोर्टल पे ज़्यादा हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसे मतलब इनवॉइस भी होंगे, आपने कोई गुड्स परचेज किया होगा या कोई ऐसा एक्सपेंसेस किया होगा जिसका आईटीसी लेने के लिए आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है, उसका आईटीसी आपकी कंपनी नहीं ले सकती, तो वो पोर्टल पे तो शो होगा लेकिन आपने उसको बुक्स के अंदर क्लेम नहीं किया, तो आपका बुक्स का कम हो सकता है, पोर्टल पे ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर ज़्यादा हो और ऑनलाइन कम आ रहा हो तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, ये भी आप लोगों को चेक जरूर करना है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर बात करते हैं TDS या फिर TCS प्रोविजन की, अगर एप्लीकेबल है तो, क्योंकि अगर आप पहली बार टैक्स ऑडिट करवा रहे हो तो ये प्रोविज़न आपके ऊपर लागू नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये आपके ऊपर कब लागू होंगे TDS या TCS के, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाला ऑडिट होगा, तो इसका 2024-25 का, जब आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होगा तो उसके अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 का, इसके अंदर आपकी कंपनी का किसी के ऊपर TDS या TCS के प्रोविजन्स लागू होते हैं तो आपको लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी पुरानी है और पहले भी टैक्स ऑडिट हो रही है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी टैक्स ऑडिट हुई, तब आपको ये TDS और TCS के प्रोविजन भी चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं वो भी अपने इस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि कोई ऐसा, कोई आपने एक्सपेंसेस किया हो, कोई आपने किसी को कमीशन दिया हो या कोई इंटरेस्ट पे किया हो जिसके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर बन रही थी, लेकिन आपने उस पर TDS है जो डिडक्ट नहीं किया, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने से पहले पहले आपको GST रिटर्न, आपकी सॉरी TDS की जो रिटर्न है वो भी फाइल करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी कब, किस कंडीशन के अंदर, अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर भी आपकी कंपनी की टैक्स ऑडिट हुई थी, तब आपके ऊपर इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 के अंदर आपकी कंपनी के ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी बन जाएगी। कब, अगर आपने मान लीजिए किसी को 15,000 से ज़्यादा का कमीशन पे किया हो या किसी को आपने मतलब इंटरेस्ट पे किया हो, तब आपके ऊपर, या आपने कोई ऐसा कोई फ्रेड या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपने कुछ लिया हो जिसकी पेमेंट आपने करी हो जिसके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी बनती थी, तो आपने नहीं डिडक्ट किया, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने से पहले पहले TDS की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी और वो आपको टैक्स भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों को एक बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये जरूर चेक कर लेना, भी पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आपकी कंपनी की टैक्स ऑडिट थी या नहीं थी। 7 नंबर पॉइंट की अगर बात करें भी, ऑल एक्सपेंसेस एंट्री चेक, अगर इसके ऊपर भी एक्सपेंसेस, ऐसा कोई खर्चा जो आपने एंट्री कर रही है और उस एक्सपेंसेस के ऊपर भी TDS काटने की लायबिलिटी थी, जैसे अभी अपनों ने डिस्कस किया था, अभी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करी है, कोई फ्रेट पेमेंट अगर आपने क्यों करी है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है भी वो वहाँ पर भी आपने उस एक्सपेंसेस पे TDS काट के पेमेंट करी है या नहीं करी है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो आपको 26 ईयर्स यानी कि जो TDS डिडक्ट जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक बार अपना कंपनी का पैन नंबर से 26 ईयर्स और इसकी कंपनी की जो एनुअल रिटर्न रिपोर्ट्स हमारी AIS TIS, तो उसको भी आपको एक बार जरूर चेक करना पड़ेगा भी आपकी कंपनी पे जितना किसी दूसरी कंपनी ने कोई TDS डिडक्ट किया है, यानी कि आपका TDS कटा हुआ है, तो उतना जितना TDS डिडक्ट हुआ है उतना आपने उस TDS को बैलेंस शीट के अंदर क्लेम किया है, यानी कि या फिर आपने कोई कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया होगा, तो जितना आपका 26 AS के अंदर जितना TDS कटा हुआ शोर है उतना ही आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसकी रिपोर्टिंग दिखानी पड़ेगी। अगर आपका 26 AS के अंदर मान लीजिए 100 रुपये का TDS आ रहा है और आपने बैलेंस शीट के अंदर
बुक कर रखा है 110 रुपये का TDS, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। आपका 100 रुपये का अगर सभी सेल्स के अंदर है तो आपको 100 रुपये भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो 10 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जहाँ पर आपको 10 रुपये का TDS उसने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ये आपको 26CS भी जरूर चेक करने हैं। और जो आपकी AIS TIS रिपोर्ट्स है वहां पर भी आपको टोटल आपकी परचेज आपको चेक कर लेनी है, टोटल सेल जो आपके टर्नओवर है आपकी 3B के अंदर रिपोर्टिंग हुई है उसको आपको जरूर चेक कर लेना है। और इसके अलावा आपके जितने भी इंटरेस्ट आपको मिले होंगे, चाहे वो आपका किसी FDR का आ रहा हो, किसी सेविंग अकाउंट का आपको मतलब इंटरेस्ट आ रहा हो, तो वो भी वहाँ पर प्रॉपर सारे शो होते हैं, तो वो भी आपको मिलान जरूर करने पड़ेंगे ताकि आपकी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर सही रिपोर्ट्स हो, आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉपर सही तरीके से बने और आपका जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह है वो भी सही कैलकुलेशन होके आए। तो आपको 26CIS, AIS और TIS ये भी चेक करना अकाउंटेंट लोगों का काम है। अब ये किस तरीके से चेक होता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों मेरे कमेंट जरूर कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भी आपको किस तरीके से 26AS और TIS और AIS रिपोर्ट आपको चेक करनी है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो वहां पर आपको एक डेप्रिसिएशन चार्ट, यानी कि जो आपने फिक्स्ड एसेट कोई परचेज करी है, आपने कोई फिक्स्ड एसेट कोई परचेज करी है तो वहां पर उसके ऊपर आपने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, तो वहां पर जितना डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया है वो क्या एज पर रूल यानी कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सही परसेंटेज के साथ 15% या कोई 10% या 40%, जो भी परसेंटेज उस ब्लॉक के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है प्रॉपर आपने सही परसेंटेज के साथ डेप्रिसिएशन क्लेम किया है या नहीं किया, तो यानी कि आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू सही यूज करी है या नहीं करी, तो इसको भी आपको एक बार जरूर गो थ्रू करना पड़ेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 के अगर अपने बात करें MSME की रिपोर्ट को, ये भी एक बहुत मोटा फैक्टर इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। MSME यानी कि जो इनकम टैक्स की सेक्शन 43B जो है सेक्शन थी उसके अंदर ये था भी आप अपने सप्लायर्स को, यानी कि वो अगर वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विसर है तो उसको आपको 45 डेज के अंदर अपनी पेमेंट है जो क्लियर करनी थी, तो वो इसकी भी आपको रिकंसिलेशन डाटा आपको तैयार करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे जो 31 मार्च 2024 को कोई ऐसे आपके सप्लायर्स है जिसको आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी थी लेकिन 31 मार्च 2024 के अंदर उस सप्लायर्स की यानी कि उस मैन्युफैक्चरर की या सर्विस प्रोवाइडर की इसकी आउटस्टैंडिंग जारी है, तो आपने उसकी पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 के अंदर पेमेंट उसकी कब तक करी है, तो ये भी आपको इस बार अपना डाटा को रिकनसाइल जरूर करना पड़ेगा ताकि जो CA वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको सही फुलफिल कर सके और आपके ऊपर जितना भी आपने एक्सपेंसेस लिए उसका आपको क्लेम सेम ईयर के अंदर ही आप उसको एक्सपेंसेस है वो आपको अलाउ हो सके। तो इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और भी बातें जो अकाउंटेंट लोगों को करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त, उन सभी बातों का अच्छी तरीके से अगर उन्होंने सभी तरीके से चेक कर लिया, सब डाटा को प्रिपेयर कर लिया, पूरे प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार है चाहे वो बैंक की हो चाहे वो किसी सप्लायर की हो या डेब्टर्स की हो, प्रॉपर आपका GST के रिकॉर्ड के साथ बुक्स रिकॉर्ड आपके पास मैच हो रही है, तो CA लोगों का काम बहुत ज़्यादा आईजी होने वाला है। तो अब इसको आपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस प्रकार से अपने इसको चेक करेंगे, अगर ये भी लोगों को भी आपको अभी तक चेक करना है आप लोगों को सीखना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं एक इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर देना। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।